आपको पता है कि आज के ब्लॉग में क्या स्पेशल है? आज के ब्लॉग में ये स्पेशल है कि आपकी सवा बनाएगी गुलाब जामुन, जो कि मैंने बनाए थे और बहुत अच्छे बने थे, है ना अम्मी? आप गवाह। हाँ, बहुत अच्छे एकदम हलवाई की तरह बनाए थे मैं। आज अम्मी नहीं बने तो फिर ये लोग मुझे बोलेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता। नहीं नहीं बने, अच्छे बनेंगे। चलो पहली बार बनाए बनेंगे। हाँ इंशाल्लाह, तो मैं आपको थोड़े ही बना के दिखाऊंगी कि हम ऑलरेडी बहुत खा चुके हैं और अब डाइटिंग भी स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो मावा है ये ईद के दिन आया था, तो उसको बचाने के लिए हमने फ्रीजर में रखा था और इसे पिघलाने के लिए बड़ी मेहनत लगी। काफी देर हो गई। फिर हमें इसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स करना है, थोड़ा सा मतलब उसका 1/4, और उसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाया है, और इस तरह से हमको बॉल्स बना लेनी है। यहाँ पे चाशनी के लिए हमने शुगर रख दी है, और उसमें हम पानी डालेंगे, जितनी शुगर होगी उसका हाफ पानी अपने हिसाब से जितना भी बनाना हो, थोड़ा सा इलायची पाउडर, और यहाँ पे ऑयल में हमें डाल के इसको फ्राई कर लेना है। बच्चे को नहीं सलाते हुए देखता, ऐसे मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ कि प्लीज इज्जत रख लेना, सही से बन जाना। और फिर इनको एकदम धीमी आंच में पकने देना है, अगर तेज होगा तो ऊपर से जल जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा। आप लोग सोचोगे कि अभी सभा किचन में मस्कारा क्यों लगा के आ गई, तो मैंने एक मस्कारा भी ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा उसका मैं यूज करूंगी और फिर आपको उसको रिव्यू भी दूंगी। बहुत बेसिक सा है, वाटरप्रूफ है, तो देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रही है लैशेस, लेकिन कितनी देर टिकता है और ऐसे स्वेट में निकल तो नहीं जाता है वो देखना है। और यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं और अभी हम इसे चाशनी में डाल देंगे और रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने रख दिया उनको चाशनी में डाल के। अम्मी आज लग रहा है कि हमेशा की तरह कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि मावा एकदम पत्थर बन गया था, फिर उसे पिघलाया तो वो बिल्कुल अजीब हो गया, ताजा लाना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं और हम निकाल के लाते हैं गुलाब जामुन और देखते हैं कैसे बने होंगे। ई खिदमत में हाजिर है, जरा चखिए। सच में खुशबू तो बहुत अच्छी है ना, और बताइए, तोड़ते हुए दिखाइए, मतलब सबूत के साथ। आज सबा ने कुछ सही बनाया है, तो तारीफ तो बनती है। सच में जितनी भी तारीफ करे कम है, है ना? ऐसे कभी खाए? कोई नहीं, बाहर के तो आप लोग जानते हो कैसे होते हैं, जानती हो हैं? लेकिन ये रुक जाओ, एसी बंद कर दे, आवाज एकदम क्लियर आने दो। हाँ अभी चलो, कैरी ऑन कैरी ऑन। अम्मी बाहर के तो बहुत हमेशा खाए हैं, हाँ। सबके हाथ की बने खाए, लेकिन आज जो ये वाला खाया ना, ऐसा आज तक मुझे कभी नहीं दिखा, है ना? कभी मुझे ये स्वाद नहीं मिला, है ना?